तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाइयों, आई होप कि आपको लास्ट वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो आज के व्लॉग में मैंने सोचा सिविक को स्ट्रेट पाइप कराया जाए और नंबर प्लेट बनवाई है। तो अभी बस वो नंबर प्लेट उठाते हैं और स्ट्रेट पाइप के लिए अभी देखें, उसका कंफर्म नहीं है, बट जाते हैं चेक करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो वही सीन ये है कि मैं भी उसको ड्रॉप करें साइलेंसर वाले काम को और बाकी नंबर प्लेट उठाते हैं, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। तो भाई ये प्लेट्स हैं, अभी लगेंगी इस पर, आपको दिखाते हैं। और बताओ कि नंबर प्लेट कैसी बनवाई है। बस सीन ये है कि नंबर प्लेट उठा लिए, लग रही है, आपको लगने के बाद दिखाते हैं। और यार वो स्ट्रेट पाइप का मैंने सीन ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक दो वीडियोस भी चल रही थी जिसमें मार्केट को आग लग गई थी। सो बाकी अभी चलते हैं डायनो पे और जाके डायनो टेक पे जाके इसको ट्यून करवाते हैं इसको इंशाल्लाह। होल्स हो गए प्लेट्स पे, अभी बस लगेंगी। मुझे कमेंट्स में बताओ कि पीछे MK1 लिखो है, MK मतलब मेरा मोहम्मद खुबे पूरा नाम है और 1 नंबर है गाड़ी का। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अब चलते हैं इसको ट्यून कराने की तरफ। उससे डायनोटेक वाले से तो मेरी बात हो गई है, अभी देखते हैं उधर जाके क्या होता है, आपको अपडेट देते रहते हैं। तो अभी हम आ गए अरम भाई को, मेरे दोस्त हमको पिक करने, उनको लेते हैं फिर चलते हैं उधर। बट कल मैं गया था, मैंने क्वेरीज तो ली थी उनसे, बट समझ से बाहर था यार। देखते हैं थोड़ा कमी पेशी कराते हैं रेट्स में, क्योंकि रेट्स थोड़े हाई हैं। तो भाई अरम भाई को तो हमने उठा लिया है। अरम भाई अभी आप बताएं हम कहाँ जा रहे हैं। भाई हम जा रहे हैं आज डायनोटेक गाड़ी ट्यून करवाने के लिए इंशाल्लाह। इसको 220 हॉर्स पावर पे लेके जा रहे हैं। अभी इसकी हॉर्स पावर फिगर है 175 अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे, फिर आपको पुल भी दिखाएंगे गाड़ी का इंशाल्लाह। बाकी अभी तो थोड़ा सा वीडियो का शूट कर लें टिकटॉक के लिए, अभी नया नंबर प्लेट बनाया, नंबर प्लेट बनवाइए, खर्चा किया है तो दिखाएं तो सही। और हाँ यार, मेरे पेपर्स चल रहे हैं, उसके लिए भी दुआ करना कि अच्छा रिजल्ट आ जाए। मेहनत तो कर रहे हैं बट अभी एक कैंसिल हो गया इमरान खान साहब की मेहरबानी की वजह से, तो सिनेमेटिक शॉट्स में आखिर में डाल दूंगा। ये आई है 10.58, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्च भी थोड़ा पुअर हो गया था, मैंने पैडल शिफ्टर गलतियाँ दे दिया था, बट आप समझो कि 10 सेकंड आप सीधे सीधे समझो अभी कर रही है। तो इंशाल्लाह ट्यून करने के बाद आपको फिर से दिखाते हैं, अभी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। जी खुबैब भाई, हम पहुँच गए डायनोटेक। जी सर, बस अभी हम डायनोटेक पे पहुँच गए जो कि कोरंगी के लोकेशन पे है। अभी इंशाल्लाह आफ्टर ट्यून और ड्यूरिंग ट्यून जो होता है आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ इंशाल्लाह। इसको लगाते हैं, इसका पहले हार्ड सॉफ्टवेयर ट्यून होगा, उसके बाद हार्डवेयर के लिए हमें फिर आना पड़ेगा। वही है डायनोटेक। तो भाई अभी डायनो पे लगा रहे हैं इसको। जी भाई क्या अपडेट है। भाई बस अपडेट ये है कि अभी हॉर्स पावर फिगर चेक करते हैं। बेसिकली ये डायनो है, इसका आपकी गाड़ी की जो फुल पोटेंशियल है ना वो चेक की जाती है, जो कि मतलब सिविक टर्बो की आप समझें 1500 cc टर्बो इंजन आपका समझो 500 हॉर्स पावर तक बैठ जा सकता है, बट हम इसको इतना नहीं फीलेंगे क्योंकि हमें अपनी गाड़ी अजीज़ है। इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 220 या 230 तक लाने की, अभी है 170। तो ये हैं सलमान भाई जो डायनोटेक पे होते हैं, नंबर मैं दे दूँगा, अगर ट्यून कराने के लिए कराची में आपको आना हो अपनी गाड़ी तो आप आ सकते हैं।
भाई अभी फैन लगा है यहाँ पे गाड़ी को ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब रन होगा तो ऑब्वियसली गाड़ी को हीट तो होगी, तो उसको कूल डाउन करने के लिए। ये है इसका इंजन जो कि 1.5 टर्बोचार्ज इंजन है, LLCVT और 177 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। तो आज हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको 210 तक लेके आएंगे, इसको 230 तक लाएंगे। वो हार्डवेयर चेंजेस हम 2-3 दिन बाद करेंगे। भाई अभी कुर्सियाँ शुर्सियाँ लगा दी हैं। हाँ भाई, अभी वो कह रहे हैं कि 2 घंटे लगेंगे। आपको फर्स्ट रन आपको दिखा दिया जिसमें हमारी गाड़ी की हॉर्स पावर फिगर आई है 185, जो कि मैं थोड़ा हैरान हूँ। 188 बल के स्टॉक गाड़ी पे। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह 220 हॉर्स पावर पर चलाएँगे इंशाल्लाह। ये अभी देखें, ये 2 घंटे लगेंगे। ये गाड़ी इस वक्त हीरो रेस्ट पर लगाया हुआ है, हाफ एन आवर गाड़ी को रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद दोबारा ट्यून स्टार्ट करेंगे। ये अभी मैं और खुबैर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आउटपुट के लिए। रोड पे देखेंगे ना, मज़ा तब आएगा इंशाल्लाह। मतलब वापसी में आमीन, वापसी में क्रीक रोड पे उड़ते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। कितनी हॉर्स पावर हो गई? 173 व्हील हॉर्स पावर है, जिसका मतलब 216 हॉर्स पावर होता है। अच्छा, 25% हम प्लस करते हैं इसका। अभी हम इसको थोड़ा और पुल करेंगे या बस यहीं पर? देख रहा हूँ मैं कि लॉग्स में करता हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 216 हॉर्स पावर तक तो हो गई है, बट थोड़ा और कोशिश कर रहे हैं। तो बगैर किसी अपग्रेड, हार्डवेयर के अपग्रेड के, हमारी गाड़ी ने 215 से 220 हॉर्स पावर बना ली है। बाकी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। सो 215 तक तो समझ लें आप आ गई है हॉर्स पावर फिगर। बाकी आगे जाके इन फ्यूचर इंशाल्लाह हार्डवेयर अपग्रेड भी करेंगे। अभी फिर रन करते हैं, देखते हैं। ट्यून फाइनली डन, अभी इसको रोड टेस्ट करते हैं। ऑल गुड। तो भाई कराची में तो एक ही मोस्ट फेमस है डायनोटेक के नाम से, कोरंगी में लोकेटेड है। तो आप लोग किसी को भी रिकमेंड करना हो, ट्यून करानी हो गाड़ी, तो आप मोस्टली इधर विजिट कर सकते हैं। मैं आपको उनके ओनर से ही मिलाता हूँ, आपको ज़्यादा गाइड कर लेंगे। वालेकुम भाई, अब आप बताएं थोड़ा सा हमारी गाड़ी में क्या क्या हुआ है। अभी आपकी गाड़ी को मैंने के ट्यूनर से रिफ्रेश किया। बिल्कुल। और अभी हमने इसका कुछ भी लो स्पेक्स पर रखा है, गर्मी को देखते हुए, क्योंकि हमने जस्ट रिफ्रेश किया है। तकरीबन 175 की दबीज है, जो कि 215-220 HP के बराबर है। जी जी। तो इसमें टॉर्क को कंट्रोल किया गया कि ना CVT भी सेफ है, ट्यून के हिसाब से एडजस्टमेंट की है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आया। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना प्यार से हमें समझाया, नॉलेज दी। और आप मुझे काइंडली बस मैं आपका नंबर शेयर कर देता हूँ, और जिसको भी होगा आपको कांटेक्ट कर लेगा। थैंक यू, थैंक यू। टाइनो से उतर गई है, अभी निकलते हैं। अब ठीक है सलमान भाई, अल्लाह हाफिज़।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्यून हो गई है, अभी चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी सर ट्यून हो चुकी है, 2-3 घंटे लगे, 215 हॉर्स पावर आ गई है। अब देखते हैं कि क्या हुड है अंदर द हुड, पावर आपको चेक कराते हैं। रन किया हमने, असल में मसला ये कि रात हो रही हो, लोग थोड़े देर खड़े हुए, तो 7 सेकंड में अभी 0-100 हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ने अचीव किया है, बाकी आपसे रिजल्ट शेयर करते हैं। एक मैं सोच रहा हूँ आरएस के साथ स्टॉक वाली जो थी ना 2021 वाली, उसके साथ भी एक रन करके देख लेते हैं। राम भाई ये क्यों कर रहे हैं? ठंडा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने वैसे ही थोड़ी मंडी है तो थोड़ा इंटरकूलर ठंडा कर दें तुम लोगों के लिए। LX570 का साथ हम रन भी चेक कर लेते हैं 0-100 में। मुझे लग रहा है वो जीत जाएगी क्योंकि वो 5000 ऊपर की गाड़ी है, फिर भी चेक करने में क्या बुराई है। तो भाई इनका चेक करते हैं, तो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। ट्रेन निदम ठीक है, ट्रेन भाई, वो कुछ इश्यूज की वजह से हमने ब्रेक मार दिया था, अभी फिर से ट्राई करते हैं। सेटा यार, LX570 है, जीते हो गए आप। तो भाई ये था फ्रेंडली रन दोनों का, बाकी वो जाहिर सी बात है वो LX570 है, कोई मजाक बात थोड़ी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह करीब थी आपस में, बट वो थोड़ी आगे ही रहेगी, रेयर व्हील गाड़ी है। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फ्लोर पे मुलाकात होती है।